अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण कथा। आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव महामहोत्सव है। कहते ये जो वृंदावन दास ठाकुर कौन है? कहते ये कृष्ण लीला में श्री वेद व्यास थे। जब भगवान किसी जगत में आते हैं, जैसे भगवान राम आए, भगवान राम के अकेले आए, अकेले नहीं आए, अपना पिता माता को लेकर के, अपना सीता को लेकर के, चार भाइयों को लेकर के, ये सब को लेकर के आए। उसी तरह जब कृष्ण आए वो भी अकेले नहीं आए, तो उन्होंने राधा रानी को लेकर के आए। जब कृष्ण इसी जगत में आने चाहते थे, राधा रानी से पूछे, बोले राधे मेरे साथ में चलोगे? बोले कहाँ जाओगे आप? बोले मरते जगत में जीव कल्याण करने के लिए। राधा रानी बोली मैं नहीं जाता। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, यहाँ पर यमुना महारानी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसना नहीं है, जहाँ पर श्री बंसीवट नहीं, जहाँ पर निधुवन निकुंजवन नहीं है, जहाँ पर मेरे पिता माता नहीं, वृषभान महाराज कीर्तिका नहीं, जहाँ पर मेरे सखियाँ नहीं, तब मैं अकेले जाकर क्या करूँगी? तब श्री कृष्ण कहते मैं थोड़ी अकेले जाऊँगा, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, तू भी अकेले नहीं जाओगे, मेरे साथ में मेरे पिता माता भी चलेंगे और मेरे ग्वाल बाल भी चलेंगे, सारी गैया भी चलेगी, और तू अकेले थोड़ी, तेरे साथ में तेरे पिता माता सखियाँ मंजरी सबके सब चलेंगे। और ये जो गोलोक वृंदावन देख रही ना, ये पूरा गोलोक वृंदावन को मैं उतार दूंगा हैं, ये सारे जितने वन उपवन हैं, नंदगांव बरसना गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड सब चलेंगे। तब राधा रानी बोले फिर मैं चलूँगी, फिर तो मैं चलूँगी। इसलिए कहते जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए, कहते भगवान अकेले कभी नहीं आते हैं। इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार सदस्य धाम सावतारी अत्यंत दुर्लभ गति इसलिए कहते भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी, महाप्रभु जीवों को कल्याण करने के लिए कहते स्वधाम अपना धाम अपना भक्तों परिकर सबको लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु आए। जब आए तब श्री वेद व्यास को भी लेकर के आए। बोले क्यों? कहते ये वेद व्यास नहीं होंगे तो जैसे वेद व्यास जी ने उन्होंने क्या रचना की? बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने रचना की। अगर वेद व्यास अगर ये भागवत ग्रंथ को रचना नहीं करते और हमारे जितने पुराण को रचना नहीं करते, अभी क्या हम कृष्ण के बारे में कुछ जान पाते? ये महाभारत भी नहीं जान पाते, ये भगवद गीता भी हमें समझने में नहीं आता, ये पुराण वेद उपनिषद ये भी हमारे पल्ले में हमको पढ़ने में नहीं पढ़ने को नहीं मिलता। इसलिए वेद व्यास जी ने जैसे उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की, वेद को विभाजन किया, उपनिषद पुराण आदि बनाए, जब बनाते हुए उनको शांति नहीं मिला, तब श्री नारद जी आकर के कहते हैं, बोले देखो इसलिए तुमको जीवन में शांति नहीं मिल रहा है, तुमने तो ये बात बताया कैसे ये गृहस्थ धर्म को जाजन करो, कैसे पैसा कमाओ, कैसे दान पुण्य करो, कैसे स्वर्ग जाओ फिर वहाँ से नीचे गिरो,
ये बात को तो तुमने बताया कैसे संसार धर्म धर्म अर्थ काम हाँ मोक्ष, लेकिन जो जीव है, जीव कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जो जीव हम सबके सब ठाकुर के बच्चे उनकी संतान है, जिसे कहते हैं ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, भगवान ही हमारी पिता माता है। इसलिए उनको भूलने का वजह से ही ये भगवान ने क्या किया, ये संसार बनाया। ये संसार क्या है? संसार मतलब हम कहते हैं ना संसार है, संसार मतलब होता है हर समय हम हमसे जो सरक रहा है, हमसे जो अलग हो रहा है धीरे धीरे। हम कोई धीरे धीरे बड़े नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं। हमारे पिता की गए, पिताजी के पिता भी गए, पिताजी के पिताजी भी गए, एक दिन हम भी जाएंगे। संसार कहते उसको जो अनित्य है, जो मिथ्या है, और एक दिन उससे तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा, एक दिन इस सबको तुम्हें छोड़ करके जाना पड़ेगा, इसी का नाम कहते संसार है। इसलिए लेकिन जो जीव भगवान की संतान है, हमारी कर्तव्य क्या, उनको नाम लो, उनकी भक्ति करो। जैसे कि बच्चा अगर सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूता है, पिता माता की सेवा करता है, आदेश पालन करता है, पिता माता क्या खुश हो जाते, बेटा मेरा अच्छा है, हैं बेटा मेरा अच्छा है। इसलिए पिताजी क्या करते हैं, सारा जीवन परिश्रम करते हुए पैसा कमाते हैं। किस लिए पैसा कमाते हैं? अपना बच्चे के लिए। मैं इतने पैसा रख करके जाऊँ अपना बच्चे के लिए, बच्चे का जीवन में कभी सुखी दुख नहीं आए। पिता माता तो इसलिए पैसा कमाते हैं ना बच्चे के लिए, बच्चे मेरे अच्छे रहे। लेकिन कौन सा बच्चे के लिए कमाते हैं? जो बेटा उनके आदेश को पालन करता है। अगर बेटा अगर आदेश पालन नहीं करे तो बोले मेरे संपत्ति में तेरे कोई अधिकार नहीं है, जो मेरी सेवा करेगा उसको ही अपना संपत्ति भागीदार वही बनेगा, बोल देते ना कभी कभी पिता माता। उसी तरह अगर हम अच्छे बच्चे बने, जैसे तुम लोग हैं, अभी कोरोना आ गया ना, आप टीवी में देखे होंगे ऑक्सीजन के लिए कितना लोग मर गए, हॉस्पिटल घूमते 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 कहीं ऑक्सीजन ही नहीं मिला, ऑक्सीजन वजह से ही इतना लोग मरे। और ऑक्सीजन बोल रहे थे सिलेंडर बिच रहा था लाख लाख रुपया की, लाख लाख रुपया की, तभी ये सिलेंडर नहीं मिल रहा था, मतलब ऑक्सीजन की कितने अभाव है, कितना कम। लेकिन ठाकुर जी को देखो, हमारे नाक को पास में ऑक्सीजन रख दिया, रख दिया कि नहीं? ठंडा के समय में सोते कि नहीं सोते हो? ठंडा के समय में देखना रजाई ओढ़ करके सो जाते हैं, लेकिन बगैर ऑक्सीजन से क्यों लोग मरे? बगैर ऑक्सीजन से मर गए, लेकिन जब कंबल ओढ़ करके सोते हो, रजाई ओढ़ करके, ये नाक को पास में अंदर में भी किसने ऑक्सीजन पास में रखा बताओ? किसने ऑक्सीजन पास में, नाक को पास में रखा? ठाकुर ने रखा है ना, तभी तो जिंदा हुई हैं। इसलिए हम सबके सब ठाकुर जी की ऋणी हैं। इसलिए कहते जिनी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मो सम कोन कुटिल थलकामी। सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु दही ताही बिसराई, जिसने तुमको ये इंसान का जीवन दिया है, इतने अनमोल संपत्ति तेरे को दिए, तो उसको ही भूल कर बैठी। और जिसने तुमको कुछ भी नहीं दिया संसार में, अब बदनामी दे रहे हैं। अब देखना संसार में अपना लिए बहुत कम करते हैं, दूसरे के लिए ज़्यादा करते हैं, अपना पत्नी के लिए करते हैं, बच्चे के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, लेकिन कोई हमें सुख देता है ना, कोई हमारी प्रशंसा करता है, पीछे देखना सब चुगली करता है, हैं सास बहू भी करता होगी, बहू सास भी करते होगी, बेटा पिता भी करता होगा, बेटा पिता ही करता होगा। इस संसार में दुख के बगैर, चुगली के बगैर, निंदा के बगैर जगत में तुम्हें कुछ भी मिलने वाले नहीं, कुछ भी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए सूरदास जी कहते ताही बिसराई, तुमने जिसने सब कुछ दिया उसको तुमने भूल करके तुमने बैठ गया। बोले कैसे नमक हरामी, कैसे हम नमक कैसे हरामी हैं। इसलिए मौसम कौन कुटिल खलकाम। इसलिए श्री नारद जी से व्यास देव को कहते, बोले व्यास देव हम जिनके हैं, तुमने तो बहुत धर्म अर्थ काम मुख्य अगड़म बगड़म बहुत कुछ बोले हो, और कुछ गलती बात भी बोल दिए हो। क्या गलती बात तो बोल दिए? बोले यज्ञ करो, यज्ञ में पशु बलि दो हैं, अपना पितृ पुरुषों का अर्पण करो, ये बात भी तुमने बोल दिया। और क्या बोल दिया? खूब संसार घर गृहस्थी करो, करते 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 सब तुमको विरक्ति हो जाएगा ना, थोड़ा भजन कर लेना। बोले पूछ लो संसार की व्यक्ति को,
अभी तक संसार करते करते किसको विरक्ति हुई है? आप देखना जितने बड़े बूढ़े होते जाते हैं कहाँ उससे विरक्ति आनी चाहिए, विरक्ति नहीं, ज़्यादा चिपकते जाते नाती पोती बेटा बेटी में, हैं, उसका आसक्ति छोड़नी चाहिए लेकिन अब छूटता नहीं, बल्कि जितने उम्र होता है उतना जीव संसार का प्रति ज़्यादा आसक्ति बढ़ते बढ़ते जाता है। किसको संसार से विरक्ति नहीं होता है? माया पिटाई कर रही है, कोड़े से पिटाई कर रही है, पिटाई करना क्या, दुनियादारी गाली बक रहे हैं, कोई आदर नहीं करते हैं, लेकिन उसको प्रति हमारी आसक्ति नहीं जाती, ज़्यादा हमारी आसक्ति फिर संसार में चली जाती। भैया इससे जीव का कल्याण नहीं, जीव का कल्याण है भगवान की भक्ति में, भगवान की भजन में ही कल्याण है, हैं। इसलिए तब उन्होंने बताए, तुमने सुंदर सुंदर ठाकुर को लीला वर्णना की, कैसे कृष्ण भगवान होते हुए भी कैसे अपना सखाओं को प्रेम में कैसे बसीभूत हो गए, कैसे झूठन खाते थे, ये बात को बोला तुमने, जैसे जंगल में जाते हैं कृष्ण सखाओं के साथ में, देखते ऊपर में एक आम है उसको कैसे उतारेंगे, तीन चार पाँच सखा नीचे खड़े हो जाते हैं, उसको ऊपर में तीन चार और खड़े हो जाते हैं, उस पर और तीन, उस पर दो, लास्ट में खड़े होकर के एक सखा आम को तोड़ता है, तोड़ते ही क्या पहले खा लेता है, हैं, उसके बाद में नीचे देता है वो भी खा लेता है, उसके बाद नीचे और नीचे आता आता ना गुठली बच जाता है, और कृष्ण नीचे खड़े और वो गुठली को कृष्ण चाट कर खाते थे, बड़ा मीठो है तू अकेला खा लिया आम को, हैं। इसलिए कृष्ण कैसे सखाओं की प्रेम में कैसे कृष्ण वसीभूत हो गए, कैसे घोड़ा बन जाते हैं, कृष्ण खुद हार जाते हैं सखाओं के साथ में खेलते खेलते, घोड़ा बन, कृष्ण कहते मैं नहीं बनूंगा, बोले बनोगे नहीं, ये बच्चों सखाओं इसको अकेले कर दो, इससे कोई बात नहीं करना, होता है ना बच्चों में कोई बात, इसको अकेले कर दो बात, अरे नहीं नहीं भैया इसे मत किया करो, हमें अकेले मत किया करो, घोड़ा बनूंगा, बन बन चल ये, हैं, कहते मार से भांडरगढ़ तक चल घोड़ा बन कर, कृष्ण घोड़ा बन कर, मैया जसदा कान मोल देती है, हैं, उसको चोर चुट्टे करके गाली देती है, बोले तेरे को गोद में नहीं लूँगी, हैं, अभी अभी तेरे को स्नान कराया और तू जाकर सखाओं को साथ में धूल में लौट पुट कर, ए तेरे गोद में नहीं लूँगी, कृष्ण मचलते हैं, बोले मैया थोड़ी सी गोद में ले ले दूध, बोले ले तू गंदा बच्चा, तो गंदा बच्चा है, मतलब कितने प्रेम में बसीभूत है भगवान, कैसे कृष्ण रास रचाए, हैं, गोपियों को लेकर कैसे कृष्ण रास किया, कृष्ण कैसे गोपियों को कहते, बोले गोपियाँ ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी नहीं बन सकता हूँ, कभी उऋणी नहीं बन सकता हूँ, इतने भगवान प्रेम में। नारद जी बोले इस बात को तुमने लिखे भागवत, तुम बोले नहीं, इसलिए तो शांति नहीं मिल रहा है, जीव को शांति कब मिलेगा, जब भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुने, ठाकुर जी की प्यारी प्यारी ठाकुर जी की मीठी मीठी कथा सुने, इससे ही जीव को परम शांति मिलेगा। इसलिए श्री कपिल देव कहते बोले मैया हैं जो कृष्ण कथा है क्या है, रसायन कथा, ये रस देने वाले कान और हृदय को, ये आनंद देने वाले शांति देने वाले ठाकुर जी की कथा है। देखो थोड़ी समय भगवान की कथा सुन लो, संसार तो हाय हाय में सब लगे हुए, सब हाय हाय में संसार में लग गई, अब देखना मंदिर में जितना समय बैठ के कथा सुन लो भजन कर लो ना, बस उतना समय मन को शांति मिल जाती, मन को शांति मिल जाती, क्योंकि ये आत्मा की आहार भगवान की कथा, भगवान की भक्ति यही आत्मा की आहार है। ऊपर तो खाने के लिए रोटी चावल सब्जी खिलाते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आत्मा की जो असली आहार है वो भगवान की भक्ति, भगवान की भजन है, जब उसको दे दो ना आत्मा को शांति मिल जाती, मन को शांति मिलती। इसलिए नारद जी बोले इसलिए तो तेरे को शांति नहीं मिल रहा है, अगर शांति पाना चाहे तो क्या करो, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएँ वर्णना करो, लोग भी पढ़ करके, जैसे कहते हैं ना अगर तुम खुद शांति पाना चाहते हो पहले दूसरों को तो शांति दे, कहते ना दूसरों को सुख दोगे तो तुमको सुख मिलेगा, दूसरों को दुख दोगे तो क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा, इसलिए पहले तो दूसरों को शांति सुख दे, लेकिन सुखी कैसे होएंगे जीव, भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा सुन करके, भगवान की कथा को बोल करके शांति मिलेगा। इसलिए अभी तुम ये क्या करो, भागवत ग्रंथ को वर्णना करो। तब व्यास देव जी ने क्या किया, बोले भक्ति जोगेन सम्यक प्रणहित अमले अपस्यम पुरुषम पूर्णंग मायांत तत् अपास है, उन्होंने बैठ करके अपना दिव्य ज्ञान में उन्होंने पूरा गोलोक वृंदावन का दर्शन किया,
कैसे कदम, कैसे कल्प वृक्ष के नीचे कैसे जुगल सरकार खड़े हुए अपना सखी मंजरी को साथ में प्रभु कैसे रास कर रहे हैं, प्रभु कैसे जन्म हुए, कैसे नटखट कर रहे हैं, घर घर में ठाकुर जी मक्खन चोरी कर रहे हैं, ये सब लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया। लीलाओं को दर्शन करके क्या किए, फिर उन्होंने भागवत ग्रंथ लिखे। ठीक उसी तरह वही व्यास देव ही जीवों को कल्याण करने के लिए फिर उन्होंने श्री वृंदावन दास ठाकुर रूप में जगत में आए। ये वृंदावन दास ठाकुर कौन है, श्री वेदव्यास हैं। कहते वेदव्यास क्या है, पहले भगवान की छह तरह का अवतार है, मन्वंतर अवतार, पुरुषा अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, भगवान की छह तरह का अवतार है। उसमें एक अवतार है सत्यावेश। सत्यावेश मतलब क्या, भगवान कभी कभी किसी विशेष जीव के अंदर में अपना शक्ति को दे देते हैं, अपना शक्ति को दे देते हैं, शक्ति को दे करके उसको द्वारा बड़े बड़े काम ठाकुर जी करा देते हैं, इसलिए उनको कहते हैं सत्यावेश अवतार है, हैं। इसलिए उन्होंने भगवान की सत्यावेश अवतार है। और कहीं बताए व्यास नारायण स्वयं, कहते व्यास कौन है, बोले ये स्वयं नारायण है, नारायण ही ये व्यास रूप में आए हमारी कल्याण करने के लिए, ग्रंथ ग्रंथों को रचना करने के लिए ठाकुर जी ये व्यास देव बन करके आए। उसी तरह महा कहते चैतन्य लीला व्यास श्री वृंदावन दास, कहते कृष्ण लीला का व्यास तो व्यास देव है, अभी महाप्रभु का लीला का व्यास कौन है, बोले श्री वृंदावन दास ठाकुर। बोले मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन मुक्त श्री वक्ता श्री श्री चैतन्य। फिर जो चैतन्य भागवत जो जिन्होंने रचना किया है वही कृष्ण ही महाप्रभु रूप में आए हैं। इसलिए महाप्रभु रूप में आए तो उन्होंने किसने बोले वृंदावन दास मुख है, तो उनका मुख में कौन बैठी गए, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु बैठी गए। महाप्रभु बैठी करके फिर उन्होंने ये चैतन्य भागवत ग्रंथ को रचना किया। इसलिए कहते निरंतर पाठ पहले कुबुद्धि जाए वे चले, कृष्ण प्रेम लभी वे प्रमुख। देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये चैतन्य भागवत ग्रंथों को हर समय पढ़ते रहे, आप देख लेना कहीं पढ़े हो, पढ़े नहीं पढ़े हो, इसलिए आप चैतन्य भागवत ग्रंथ को रोज पढ़ो। इतने सुंदर सुंदर कथा है महाप्रभु की, हैं, कैसे महाप्रभु कैसे अवतीर्ण होने से पहले ये संसार का क्या स्थिति थी, कुत्ता कुत्तियों में साधी, बिल्ला बिल्लियों में साधी, मंगल चंडी की पाठ, देवी की पूजा, उसको सामने बकरी की बलिदान देना, शराब पीते थे, हैं, लाख करोड़ रुपया उसी में खर्चे करते थे लोग। और जिसको देख करके श्री अद्वैत आचार्य जी ने बड़े दुखी हुए, देखो लोग कर रहे हैं क्या, ये जीवन कितने दुर्लभ जीवन मिला, कहाँ भक्ति के लिए मिला, लेकिन ये कुत्ता कुत्तियों को शादी में, बिल्ला बिल्लियों को शादी में, अगर कोई गीता भागवत पढ़े ना उसको भक्ति परक व्याख्या में क्या नहीं, केवल आपस आपस में तर्क वितर्क से अपना जीवन को बिताए करते थे, हैं। जिसको देख करके श्री अद्वैत आचार्य बोले जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में नहीं आएंगे इनके कल्याण कोई नहीं कर सकते हैं, मेरे प्रभु ही कल्याण कर सकते हैं। और ये जो कलियुग है ये कलियुग साधारण युग नहीं, कहते धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार महाप्रभु आते हैं, हर कली में महाप्रभु नहीं आते। ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग मतलब कलियुग का परमायु 432,000 साल, द्वापर युग का परमायु 832,000 साल, तृतीय युग का परमायु 4,12,00,000 और 32 को 3 बार कर लो, हैं, और सत्ययुग का परमायु कलियुग का परमायु को 4 गुना कर लो, उसको कहते हैं कि महायुग, हैं, चतुर्युगी। कहते ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीत जाए मतलब करोड़ों करोड़ों साल के बाद में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आते हैं, और वो जो ब्रज प्रेम को राधा रानी की जो निकुंज सेवा को महाप्रभु प्रदान करते हैं, महाप्रभु प्रदान करते हैं। और जो दूसरे दूसरे अवतार आते हैं ना वो वैदिक भक्ति प्रचार करते हैं, जिसको द्वारा जीव केवल वैकुंठ तक अयोध्या तक जाए, उसको ऊपर और जीव नहीं जा सकते। अगर ऊपर गए तो जैसे द्वारका मथुरा तक गए, लेकिन जो वृंदावन धाम जो प्राप्ति है
जब तक रागानुगा हो करके राग अनुगा भक्तों का अनुगत्य भी नहीं करे, और विशेष करके राधा रानी की अनुगत्य में जो जुगल सरकार की जो सेवा, जो निकुंज की जो सेवा है ना, ये चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य के बगैर हैं, कहते महाप्रभु के भक्त के अनुगत्य के बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकते, कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? ये शास्त्र कहता है उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकते, केवल महाप्रभु आकर के कलयुग में वो निकुंज सेवा राधा रानी की केवल यही प्रदान करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी इनके लिए कहते नमो महाबदान्याय, तो बड़े बड़े वदान्य हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य आए, बड़े बड़े साधु आए हैं, लेकिन हे प्रभु आप जो राधा जी की चरण की सेवा प्रदान किया, जो अनर्पित चरिन चिरात, जो प्रेम ब्रह्मा का एक दिन पहले जो प्रेम दी गई थी, अगर वो प्रेम किसने दिया था, आप ही दिए, वो प्रेम आपने दिया राधा रानी की निकुंज का सेवा, बोले जिस सेवा में बोले प्राण पृष्ठ सखी कुलादपि अस्वचकित भूमिका, जिसमें ललिता विशाखा सख्या भी कहते जिस लीला में ये भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं ललिता विशाखा सखी, लेकिन राधा जी की अनुगत्य में ये मंजरी जो छोटी छोटी मंजरी होते हैं वो अंदर में घुस जाते हैं, राधा रानी की कृष्ण की सारे सेवा को ये करती हैं है? इसलिए कहते श्री चैतन्य श्री अद्वैत आचार्य जो सोच रहे हैं, लेकिन ये प्रेम को तो मैं नहीं दे सकता। अद्वैत आचार्य कौन? ये स्वयं महाविष्णु, वो साधारण नहीं, ये स्वयं कारणदाय सकेत विष्णु हैं, ये साधारण नहीं सकेत महाविष्णु, लेकिन वो कहते मैं नहीं दे सकता हूँ ये चीज़ को, ये तो केवल महाप्रभु दे सकते, मेरे प्रभु दे सकते हैं, हाँ ये सदाशिव स्वयं सदाशिव है। तब उन्होंने क्या किया, बोले प्रभु को जल्दी से जल्दी जगत में कैसे प्रकट कराया जाए, उपाय क्या है, तो उन्होंने सारे शास्त्र को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते उनको एक श्लोक मिला, बोले तुलसी दल मात्रेण, मतलब अगर एक तुलसी पत्ता ले और अपना गंडस में गंगा पानी ले ले और उसमें एक तुलसी पत्ता रख कर के हृदय से अगर कोई ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसका इतना ऋणी बन जाता हूँ, वो ऋणी से उऋणी बनने के लिए मैं अपना सर को खुजला दूँ, सर कब खुजलाते हैं, तुम ज़्यादा ऋणी हो जाए ना, कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा ऋणी हो गया, भैया वो ऋणी से उऋणी कैसे बनूंगा, ऋणी से उऋणी कैसे बनूंगा, अरे सर खुजला लग जाते। उसी तरह भगवान भी उसको ऋणी से उऋणी बनने के लिए भगवान क्या करते हैं, सर खुजलाते हैं, मतलब इतने गंगा पानी तुलसी में इतने शक्ति, ये भगवान को भी छोटा कर देते हैं, ठाकुर जी को भी ये छोटा कर देता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाप्रभु उन्होंने आह्वान किया, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुतिया अच्छन खिर समुद्र सागरे निद्रा भंग हैलम और नारूम, मतलब मैं खीर समुद्र में सो रहा था, लेकिन ये अद्वैत आचार्य जो मेरे को बुलाया तो मेरे आसन को उन्होंने हिला दिया, इसलिए उनका नाम नाड़ा, नाड़ा मतलब हिलाना है, उसको मेरे को हिला दिया, फिर उसको हिला दिया तो फिर मैंने जगत में आकर के क्या किया, फिर जगत में हरि भक्तियों को प्रचार जगत में किया, स्वयं जीवन में आचरण करते हुए मैंने क्या किया, जगत में हरि भक्तियों को प्रचार किया। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी इतने सुंदर सुंदर महाप्रभु का लीला वर्णन किया, रोज चैतन्य हमारे गौड़ीय मठ में अक्सर करके ना ये चैतन्य भागवत प्राय करके पाठ होता है, बोले क्यों, कारण क्या, बोले इसमें महाप्रभु का सुंदर सुंदर लीला वर्णन है, भक्ति किया, ज्ञान किया, कर्म किया, भगवान को अगर वशीभूत कर सकते हो कैसे भक्ति भूषण कर सकते हो, उन्होंने चैतन्य भागवत में जो भक्ति को जो महिमा उन्होंने वर्णन किया, आप किसी ग्रंथ में इतने भक्ति की महिमा आप किसी ग्रंथ में तुम्हें को वर्णन नहीं मिले, किसी ग्रंथ में आप पढ़ कर देखो जितने उन्होंने भक्ति की महिमा गाई और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए क्या कहते, निरंतर पाठ फले कुबुद्धि जाए वे चले, अगर हर समय को इसको पाठ करे तो हमारी जो कुबुद्धि है ना, दुष्ट जो बुद्धि, कहते जाए वे चले, ये दुष्ट बुद्धि खत्म हो जाएगी तुम्हारी दिन, और कृष्ण प्रेम लभी वे प्रमोद, एक दिन कृष्ण प्रेम में बस उसमें सराबर हो जाओगे, उसमें डूब जाओगे, अगर ये ग्रंथ को रोज रोज अगर चैतन्य भागवत ग्रंथ को पढ़ो, ठीक है ना, नियम करके एक एक अध्याय 10-15 मिनट लगेगा, उसको एक एक अध्याय को पढ़ो, बंगला समझ में आती है, हाँ पढ़ोगे ना धीरे धीरे, हिंदी को पास पास में, बंगला इतना ज़्यादा कठिन नहीं, और तुम तो इधर आते आते तो बंगला भी थोड़ी थोड़ी सीख रहे हो, हैं इसलिए
थोड़ी थोड़ी पढ़ते 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 अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए सिर्फ वृंदावन दास ठाकुर उन्होंने उसका नाम रख दिया चैतन्य मंगल पहले रखा था है, लेकिन बाद में फिर चैतन्य भागवत रखा ग्रंथ को, चैतन्य भागवत ग्रंथों का नाम रखा। कहते जिसमें नियम किया तो उनका रख दिया तो चैतन्य भागवत, जिसमें महाप्रभु की कथाओं का वर्णना किया है हैं। लेकिन जब वो शुरुआत करते हैं कहते अजान लंबित भुजो कनिका बदातो संकीर्तन पितरो कमलायताक्ष विश्वंभरौ द्विज भरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार। ये मंगलाचरण श्लोक सबसे पहला ये श्लोक लिखे। बोले इसमें क्या है, ग्रंथ का नाम क्या रख दिया चैतन्य भागवत, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का तो कथा सुनानी चाहिए पहले, लेकिन उन्होंने अपना गुरु जी को साथ में उन्होंने अपना ठाकुर जी को एक श्लोक में दोनों का वंदना किया, क्योंकि कहते बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इसलिए कहते ना प्रथमंत गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्जनम। कृष्ण कहते अगर कोई शुभ काम के लिए जाते हो ठाकुर को पूजा कर तो पहले गुरु जी को पूजा करो। इसलिए दो चरणामृत रहते ना, हम जब ठाकुर को पूजा करते सबसे पहले गुरु जी की पूजा करते हैं। कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े ताक लाग पाऊँ बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद जी होता, इसलिए पहले गुरु जी की। इसलिए उन्होंने एक श्लोक में अपना गुरु जी कहते उनका गुरु जी कौन है, बोले श्री नित्यानंद प्रभु हैं। इसलिए उन्होंने कह रहे देखो मेरे जो गुरु जी से नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु कौन से बलदेव प्रभु हैं। तो देखो मेरे जो गुरु जी साधारण नहीं, भगवान से अभिन्न बल। इसलिए कहते जो कृष्ण बलराम बैठे हैं वो कृष्ण का रंग कैसे, जगन्नाथ का रंग कैसे काले, बलदेव प्रभु का रंग कैसे गोरे हैं। वो केवल देखने में गोरे और काले और कुछ फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही तत्व। भगवान का पहला जो काय विभव है श्री बलदेव प्रभु, सर्वप्रथम बलदेव प्रभु कृष्ण प्रकाशित करते हैं। दाहिने अंग से बलदेव प्रभु और बाम अंग से श्री राधारानी, और बलदेव प्रभु से सारे अवतार निकलते हैं और राधारानी से सारे शक्ति प्रकाशित होते हैं। इसलिए उनने एक श्लोक में कहते अजानु लंबित भुजो, दोनों का जो भुजा है अजानु तक है, बोले कनिका बदातो, दोनों का शरीर एकदम तप्त कांचन गौरवर्ण के हैं। कनिका बदातो संकीर्तन एक पितरो, दोनों भैया ही हरिनाम संकीर्तन को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों ही जगत में हरिनाम प्रचारित किया है। संकीर्तन हो विश्वम भरो, जगत को भक्ति को द्वारा उन्होंने जगत को भर दिया है विश्वम भरो। इसलिए जब एक श्लोक में उन्होंने अजानुलंबित भुजो कनिका बदातो संकीर्तन एक पितरो कमलाय ताक्ष, दोनों का आँख कमल जैसे आँख हैं, कमलाय ताक्ष विश्वम भरो द्विज भरो, दोनों ही ब्राह्मण घर में जन्म हुई हैं। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार, जगत का प्रिय करने के लिए करुणा की अवतार श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। लेकिन जब चैतन्य भागवत को वर्णना कर रहे थे, अगर उसको बीच में कहीं नित्यानंद प्रभु का थोड़ी सी कथा आ जाए, वो क्या करते थे महाप्रभु कथा को ही बंद हो जाती थी, फिर तो उन्हें नित्यानंद 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 फिर नित्यानंद प्रभु कथा सुनाना शुरू कर देते। जब वर्णना करके फिर याद आता है अरे इसे तो चैतन्य भागवत है, ये तो महाप्रभु का कथा लिख रहा, लेकिन महाप्रभु कथा तो छूट गया और उन्होंने अपना नित्यानंद नित्यानंद प्रभु का वर्णना कर दी। यहाँ शिक्षा देते हैं, शिक्षा क्या विषय है, क्या बोले शिक्षा क्या विषय है, बोले गुरु जी के चरण में हमारी कितने प्रीति होनी चाहिए। गुरु जी के चरण में अगर हमें कहीं गुरु जी की कथा सुनने को मिले ना, क्या करनी चाहिए, बस अगर कहीं भगवान की कथा कहते गुरु जी, फिर क्या करो, बस गुरु जी की महिमा को गाओ, गुरु जी की महिमा को गाओ, वैष्णव की महिमा को गाओ हैं। इसलिए उन्होंने फिर चैतन्य भागवत में बहुत नित्यानंद नित्यानंद तत्व को उन्होंने वर्णना किया, बहुत नित्यानंद प्रभु की महिमा को उन्होंने गाए, और इतने गा गा कर कहते हैं मेरे जो नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, कैसे दयालु, कहते मार खे प्रेम दे, माधा सर फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु। लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले मेरे चीज कल सिरे काना ताई बोली की प्रेम दिवना, भले ही तू मेरे सिर को फोड़ दिया भैया कोई बात नहीं, एक बार तो तू हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और एक बार बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इतने मेरे गुरुदेव, इतने दयाल जो मार खाकर भी प्रेम देते हैं, और दरवाजा पर जाते हैं झोली फैला कर, बोले हमारे किड़िया लो, बोलो गौरव, मतलब मेरे को हरदी कर लो एक बार, मेरे प्रभु गौर हरि का नाम लो और मैं तुम्हारे पास में बिक जाऊंगा। इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचे रे हमार मन, दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचे रे हमार मन, नाचे रे हमार मन, नाचे रे हमार मन, ए मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे पावे प्रेम धन, दयाल नीताई चैतन्य भोले हमार मन। इसलिए कहते मेरा नाम महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर नाच उठे हैं, इतने दयालु नित्यानंद प्रभु ये। कहते नित्यानंद प्रभु हैं, कहते क्या करते थे, कोई जात पात को कोई विचार नहीं, सबके घर घर में जाकर के कृष्ण भक्ति को उन्होंने व्याख्या की, और महाप्रभु को अपना जीवन का सर्वस्व प्राण सर्वस्व जो कर दिया, और नित्यानंद प्रभु कृष्ण की 10 शरीर से और 5 रसों से सेवा करते हैं। 10 शरीर से मतलब जितने कृष्ण का जितने कपड़े, श्री नित्यानंद प्रभु उनका जो अलंकार नित्यानंद प्रभु, जो सिंहासन नित्यानंद प्रभु, उनको पादुका नित्यानंद प्रभु, उनका कपड़ा नित्यानंद प्रभु, जनेऊ नित्यानंद प्रभु हैं, इनकी जो मजीरा बजाते हैं ये नित्यानंद प्रभु, और ये क्या मृदंग, ये कौन है नित्या, ये सब नित्यानंद प्रभु, ये भी नित्यानंद प्रभु, ये भी नित्यानंद, कृष्ण की सेवा जो करे सब नित्यानंद प्रभु, बहु रूप में उन्होंने प्रकाशित हुआ। बोले क्यों, बोले श्री नित्यान कृष्ण सेवा करने के लिए, और पंच रसों से शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, हर रसों से हैं, मधुर रस में राधा रानी की छोटी बहन बन गई हैं, अनंग मंजरी बन गई, बन करके कृष्ण की सेवा करती हैं बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु की इतने महिमा नित्यानंद प्रभु की, इतने दयालु इतने कृपालु नित्यानंद प्रभु जगत में, कृष्ण प्रेम का अगर कोई बाढ़ लाए ना, कौन लाए हैं, नित्यानंद प्रभु। इसलिए लोचन दास ठाकुर कहते हैं, आबध करुणा सिंधु काटिया मुहान, कर कर बोले प्रेमा अमिया नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, बोले आबध करुणा सिंधु काटिया मुहान। उदाहरण दिया है, जैसे एक बांध है, एक तरफ में पानी ही पानी है, ये बांध है, अगर उसको कोई काट देगा बीच में, फिर क्या होगा, देखो ना इस तरफ खाली खाली, इतने तेज से पानी आएगा, इतने तेज से कहीं डैम भंग जाते, टूट जाती है ना कहीं बांध, क्या होता है, सामने जो आते हैं सबको भाग कर ले जाते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु एक तरफ में प्रेमी प्रेमी था, लेकिन बीच में था बांध, नित्यानंद प्रभु क्या किया, उसको बांध को तोड़ दी, तोड़ दिया तो इतने तेजी से बाढ़ आई, सारा दुनिया को डुबा दिया, ये बड़ो तुम्हें भी आकर डुबा दिया तुम लोगों को। इसलिए कहते उन्होंने हैं, ये बाढ़ सारा दुनिया में, ये बाढ़ चली गई हैं, सारा दुनिया में चली गई ये बाढ़। बोले किसने ये बांध को तोड़े, नित्यानंद प्रभु, ये नित्यानंद प्रभु ये बाढ़ को तोड़ दे, इसलिए एकदम सारा दुनिया में कृष्ण प्रेम की भक्ति सारा दुनिया में छा गया। इसलिए उन्होंने नित्यानंद, फिर लास्ट में क्या कहते हैं, बोले ए तो परिहारे जो पापी निंदा करे तबे तार लात मारे तार सिर रोके। नित्यानंद प्रभु की इतने महिमा, इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति निंदा नित्यानंद प्रभु को निंदा करते हैं, मैं उसका सर पर क्या करता है, लात मारता हूँ, उसका सर पर जो सर पर मैं लात मारता हूँ, नित्यानंद प्रभु को तो बुराई कर रहे हो हैं, लात मारता हूँ उसको सर पर। इसलिए
तब यहाँ पर प्रभुपाद कहते भैया ये वृंदावन दास ठाकुर व्यास देव कहते लात मारेंगे किसको, किसको कहते हम लात मारता हूँ, ये लात मारना कोई अच्छी काम थोड़ी है। तब प्रभुपाद कहते भैया वैष्णव का लात खाना कोई साधारण बात नहीं, अगर किसी वैष्णव अगर किसी को शासन कर लिया तो कल्याण उसको उदाहरण होगा। पिता माता किसको शासन करते हैं, अपना बच्चे को, बाहर किसी व्यक्ति को शासन नहीं करते हैं, करे बोला नहीं, अपना बेटे को क्यों अपना मानते हैं, बेटा मेरा है ये बिगड़ नहीं जा रहा, इसलिए बाहर बच्चे को शासन नहीं करते हैं, वो अपना बच्चे को ही शासन करते हैं, क्यों इसका कल्याण सोच करेगी। उसी तरह यहाँ पर कहते अगर वैष्णव लोग इसको शासन वाणी बोले हैं, इसको शासन वाणी बोल दिया तो उसका पास बड़ा पार है, वो सबको शासन नहीं करते, जिसको अपना मानते हैं, जिसको अपना मानते हैं उसको ही शासन करते हैं, इसलिए शासन खाना वैष्णवों का ज़्यादा कल्याणदायी है। प्रशंसा में जितना कल्याण है नहीं इतना है, लेकिन हम शासन में कल्याण है, जितने वैष्णव हमें शासन करे उतना ही हमारी क्या होगा, हमारे जीवन उतना सुधरेगा। इतने जैसे क्या होता है लोहे को क्या करते, सोने को क्या करते, आग में लगा कर उसको पीटते हैं, आग में देखिए पीटते एकदम उसकी क्या उसका रंग निखरता है, एकदम प्योर बन जाती है। जितने हम वैष्णव का शासन खाएंगे उतना जैसे लोहे को गर्म करते हैं फिर ला कर पीटते हैं फिर पानी में देंगे फिर आग में देंगे फिर ऐसे ऐसे करते करते जो इतना बनता है कठिन कौन लोहे, लोहे लोहे को काट देते हैं, लोहे लोहे को काट देती हैं हैं। इसलिए यहाँ पर बोले अगर इतने बावजूद कोई शासन कोई निंदा करता है इसको लात मारता हूँ तो उसको कल्याण, वैष्णव का लात मिल गया मतलब हमारी कल्याण हो गया, उद्धार हो गया हैं। कहते जो वृंदावन दास ठाकुर जी इनके कैसे ही वृंदावन दास ठाकुर जन्म हुए, कहते उनका जो माता जी का नाम था नारायण, ये जो नारायणी कहते ये शिवास वो थे चार भाई, कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद, ये जो श्रीवास पंडित है कहते इनकी ये चार भाई थे, इनकी और एक भाई था जिनकी पत्नी का नाम थी श्रीवास, कहते जिनकी ये जो श्रीवास पंडित कहते इनकी भाई की बेटी ये श्री नारायणी है, मतलब भाई कितने कैसे कृपा प्राप्त की, मतलब महाप्रभु जिस समय में हैं कहते इनकी बेटी जिस समय उनके घर में महाप्रभु रोज कीर्तन करते थे, महाप्रभु जो प्रसाद पाते थे प्रसाद का जो बच जाता था उसको तो भक्त लोग पाते थे, विशेष करके महाप्रभु हैं कहते उनको जो श्रीवास का जो पत्नी के नारायण उसको ये देते थे, उसको ये देते थे नारायण को देते थे, और ये महाप्रभु को प्रसाद पाती थी, और ये प्रसाद पा 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 करके ना अगर साक्षात महाप्रभु प्रसाद किसको दे आशीर्वाद कृपा है ना, बस महाप्रभु का प्रसाद से ही ये नारायण प्रसाद पा पा करके फिर इनके गर्भ में कौन प्रकट हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए, और जिन्होंने ये चैतन्य भागवत ग्रंथ को इन्होंने बड़े सुंदर रूप में चैतन्य भागवत ग्रंथ को उन्होंने वर्णना की है, इसलिए आज इनकी जन्मतिथि आविर्भाव पूरा चैतन्य भागवत में इनकी जो कथा पूरे चैतन्य भागवत में इन्होंने ही चैतन्य भागवत ग्रंथ को लिखे, इसलिए तभी हम ऋणी से उऋणी बनेंगे जब ये चैतन्य भागवत को पढ़ेंगे। मैं जब मंदिर में आया ना सबसे पहले पुरी में आया, मैं जीवन में सबसे पहले कोई ग्रंथ पढ़ा तो चैतन्य भागवत, और जो पढ़ता तो मैं रोता था बिल्कुल हैं। हमारी वहाँ पर नाथ मंदिर है, गुरु जी बोले चैतन्य भागवत पढ़ना, सबसे पहले तो गुरु जी मेरे को शरणागति ग्रंथ दिया था, बोले शरणागति का सारे श्लोक सारे कीर्तन को याद करो, इसलिए मैंने सारे कीर्तन को शरणागति की सारे कीर्तन याद किया था, और गुरुदेव बोले थे चैतन्य भागवत पढ़ना, इसलिए मैंने सारे सेवा जब हो जाता था हाँ वहाँ के सारे सेवा करने के बाद फिर नाट मंदिर में बैठ करके ये चैतन्य भागवत पढ़ता था, और इतना सुंदर महाप्रभु का लीला वर्णन उसको प्रकट करता था, ग्रंथ को पढ़ पढ़ के मैं रोता था हैं। जैसे हमारे गुरुदेव भक्त नारायण गोस्वामी महाराज रामचरित्र को पढ़ पढ़ कर रोते थे, हम भी ये चैतन्य भागवत पढ़ पढ़ कर हम भी रोया करते थे, उसको पढ़ते ही आप देखना अगर थोड़ी सी समझ में आएगी ना आप भी रोओगे, तो इतने सुंदर भक्ति की महिमा इतने प्रेम जिसका हृदय कठोर हो आप चैतन्य भागवत पढ़ो तुम हृदय एकदम कोमल हो जाएगी, हृदय तुम्हारी कोमल हो जाएगी ठीक है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे कृपा करे, जैसे महाप्रभु के चरण में
अगर ये ग्रंथों को पढ़ोगे तो महाप्रभु का चरण में तुम्हारी प्रेम रति प्रकट होगा। इसलिए हम सबको वृंदावन दास ठाकुर का कृपा हम सबको प्राप्त हो। बोले श्री वृंदावन दास ठाकुर की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे ठाकुर कृपा सिंधु नाम पावने को हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि हो 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 हरि हो। हम लोग अपना कीर्तन करते हैं, आप लोग जा सकते हो। अभी हम लोग सवेर का जो कीर्तन है ना उस पर गाएंगे, ठीक है। हाँ द्वादश ही खोल कर देते, टाइम हो गया व्रत खोलने का। हाँ हाँ शाम को आरती से पहले कथा हो जाती है ना। हाँ आरती से पहले कथा हो जाएगा तो लोग जल्दी जल्दी घर में वापस जा सकते हैं। इसलिए शाम को कितना सी कथा होता है, हाँ 7:30 का है, 7:30 बजे 6:30 से 7:30 बजे, ठीक है। उसके बाद में आरती होगी, ठीक है। शाम को अगर आ तो 6:30 बजे आ जाना, 6:30 बजे कथा से 7:30 बजे कथा हो जाएगी 6:30 से, और उसको पहले थोड़ा कीर्तन हो जाएगी, फिर आरती के बाद में बस सीधा घर में चले जाओ। हाँ घर में सीधा चले जाओ, ठीक। तब दत्त जीव कुल उधार कारिणी करुणा वारिद कृपा दानी बंदे गुरु चरण कमल नृत गीत बाज श्री हरि कीर्तन राय नमग्न महामत मने रोमांचक पासु हरे गौरव प्रेम बंद गुरु चरण कमल सदर करी विग्रह देव सिंगर दिया मंदिर माजने करी अनुगत जने बंद गुरु गुरु देवा शरण पति जप न करें।
Thank you.
Ah.
बोलो 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 राम कौन सा बोले अनिताय गुरु नमः अनिताय गुरु नमः Yeah.
जय श्री श्री गुरु रंगनंदिकाधारी राधा गोविंद जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय हरिनाम संकीर्तन की जय भक्तदेव तुलसीदेव की जय जगबंद गोपीनाथ मदन जय राधा रमण राधा श्याम सुंदर राधा कुलंद राधा मंदिर की जय आनंद गुट गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय ब्रह्मानंदे हरि इसको बंद कर दो ठीक है बच्चे सब ठीक ठाक बच्चे अभी काम फाम सब बंद होगा ना इस समय काम तो बंद है लॉकडाउन में शाम तक चाहिए